अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसमें हम देखेंगे कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, सीपीयू रजिस्टर्स और इन्हें सीपीयू रजिस्टर्स क्यों कहा जाता है और ये क्या काम करते हैं कंप्यूटर में। और हम बात करेंगे मुख्तलिफ रजिस्टर्स के बारे में जो कि कंप्यूटर में अहम करदार अदा करते हैं, और समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक रजिस्टर कंप्यूटर में क्या काम करता है। तो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। तो शुरू करते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। पहले हम देखते हैं कि सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं। ए रजिस्टर इज़ ए स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द सीपीयू। कि सीपीयू के अंदर हाई स्पीड मेमोरी होती है, यूज्ड क्विकली एक्सेप्ट स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा इन इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय सीपीयू। के सबसे पहले एक्सेप्ट करता है, डाटा को लेता है, फिर उसको स्टोर करता है और ट्रांसफ़र डाटा और इंस्ट्रक्शन करता है जो सीपीयू ने उस इंस्ट्रक्शन और डाटा को यूज़ करना होता है। द रजिस्टर इज़ यूज बाय द सीपीयू आर ऑफन टर्म्ड एज प्रोसेसर रजिस्टर। और इसीलिए इसे प्रोसेसर रजिस्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि सीपीयू ने इसे इस्तेमाल करना होता है। रजिस्टर साइज डिटरमाइन हाउ मच इंफॉर्मेशन इट कैन स्टोर। और इसका साइज डिटरमाइन करता है कि इसमें कितना डाटा स्टोर होना है या हो सकता है। और रजिस्टर के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, द साइज ऑफ द रजिस्टर इन बाइट्स, और इनके साइज बाइट्स में होते हैं। ईच बाइट कैन स्टोर वन करेक्टर ऑफ डाटा, और हर बाइट एक करेक्टर ऑफ डाटा को स्टोर करती है। करेक्टर डाटा का यूनिट है। ए रजिस्टर कैन बी 1, 2, 4 और 8। इसका साइज क्या हो सकता है रजिस्टर का, एक बाइट का भी हो सकता है, 2 बाइट का, 4 बाइट का और 8 बाइट का। और लेटेस्ट जो रजिस्टर आ रहे हैं वो ज़्यादातर आजकल 16 बाइट के भी आ रहे हैं। द बिग साइज ऑफ डाटा रजिस्टर इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। जितना उसका साइज ज़्यादा होगा रजिस्टर का, उतने ही उसकी सीपीयू की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। इसमें मुख्तलिफ तरह के रजिस्टर्स होते हैं जो कंप्यूटर्स अमूमन इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स कंप्यूटर में क्या काम करता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज़ यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू। कि मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करता है जिनको सीपीयू इस्तेमाल कर रहा होता है। व्हेन सीपीयू वांट टू रीड एंड राइट डाटा इन मेमोरी। जब कोई भी सीपीयू मेमोरी से डाटा कोई भी लेना चाह रहा होता है या वहाँ पे डाटा रखना चाह रहा होता है, रीड मतलब के वहाँ से वो डाटा लेना चाह रहा है और राइट मतलब वहाँ पे वो डाटा रखना चाह रहा है, ठीक है। तो इट स्टोर्स द एड्रेसेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इन दिस रजिस्टर। तो वो पहले किस में स्टोर होंगे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स में इस्तेमाल स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे मेमोरी बफर रजिस्टर्स इज़ यूज टू स्टोर द डाटा कमिंग फ्रॉम द मेमरी और गोइंग टू द मेमरी। यानी कि जो डाटा मेमरी की तरफ जा रहा होता है, जो मेमरी से आ रहा होता है, वो किस में स्टोर होता है, मेमरी बफर रजिस्टर्स में। एक तरह की ये बफर होती है, यानी कि डाटा को स्टोर करती है। किस डाटा को, जो डाटा मेमरी से आ रहा होता है और मेमरी की तरफ जा रहा होता है, वो स्टोर किस में होता है, मेमरी बफर रजिस्टर में, MBR जिसे कहते हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जिसे PCB कहते हैं। इज़ आल्सो नोन एज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। इसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर भी कहते हैं। द रजिस्टर इज़ यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये रजिस्टर इस्तेमाल होता है रजिस्टर्स के एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अभी रन होनी है CPU पे, बी फेच्ड और एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट फेच्ड होनी है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। When the instruction is fetched, जब instruction आ जाती है, the value of the program counter is increased. तो फिर इसकी value बढ़ जाती है, क्योंकि ये next instruction को point करने लग जाता है। It now refers to next instruction. अब वो किसको refer करेगा, next instruction को। कौन सी next instruction, जो अभी CPU ने इसके बाद जिसकी बारी आनी है execution के लिए, उसको refer करने लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप रजिस्टर्स की, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, IRB कहते हैं। वंस एन इंस्ट्रक्शन इज़ फेच्ड फ्रॉम मेन मेमोरी, इट इज़ स्टोर्ड इन
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जब ये भी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने करता है, अब कौन सी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जब एक इंस्ट्रक्शन आ जाती है फैच होकर मेन मेमोरी से, तो ये किस में स्टोर होती है फिर, नई इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होती है। द कंट्रोल यूनिट टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दिस रजिस्टर, और फिर कंट्रोल यूनिट जो होता है ना सीपीयू का, वो इस रजिस्टर से उस इंस्ट्रक्शन को लेता है। द इंस्ट्रक्शन इज आल्सो डिकोडेड इन दिस रजिस्टर, और डिकोड भी इसी रजिस्टर में होती है, यानी कि उसको कोड, इसमें दो टेक्निक होती है ना, कोड और डिकोड, तो फिर इसमें इसी रजिस्टर में ही उसको डिकोड किया जाता है। तो ये हमने देखे हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो इसकी मज़ीद टाइप्स होती हैं रजिस्टर्स की, जिन्हें हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स कहते हैं, और एक ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं और क्या काम करते हैं। शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।